आओ बैठो। तबीयत ठीक है? तो ठीक है डॉक्टर साहब। कोई दिक्कत तो नहीं है? डॉक्टर साहब चौथा महीना शुरू हुआ है बहू को, आपने कहा था हर महीने मुझसे मिलती रहना चेकअप के लिए। सातवें महीने तक महीने में एक बार और उसके बाद महीने में दो बार चेकअप बहुत ही जरूरी। ब्लड टेस्ट करवाए? वैसे तो ठीक है, मामूली सी खून में कमी है। क्यों बेटा, खुराक ठीक से नहीं पी रही क्या? खाती तो बराबर है मैम वो, लेकिन उल्टियां बंद नहीं होती हैं इसकी। कोई बात नहीं, मैं दवाई लिख दूंगी, वो ज्यादा महंगी भी नहीं है, उससे उल्टी भी बंद हो जाएगी और खून भी बढ़ने लगेगा। अब इनका चेकअप कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा सब कुछ ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, मैंने इंजेक्शन भी लगा दिया है जी। चौथे महीने से बच्चे का डेवलपमेंट तेज हो जाता है जी, तो इनकी खुराक भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। पर उस बहाने से मोटी मत हो जाना, मोटापे में बहुत दिक्कत हो सकती है। मैं इनको खून बढ़ाने की दवाई लिख देती हूँ, और अगर कोई भी दिक्कत हो जैसे कि पेट दुखे या खून निकले तो आप तुरंत मेरे पास आ जाइए। अजी सुनते हो? बादन अपन टीवी देख रहे थे ना, बा में गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें बताई थी। उसमें बताया था कि जच्चा बच्चा को बराबर अस्पताल में दिखाना चाहिए और वहाँ पर उनकी जांचें भी करानी चाहिए, और इसके लिए हमारी सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। सो मैं ये सोच रही थी कि अपनी गौरी भी तो 3-4 महीने पेट से है, तो इसे भी अस्पताल दिखा लाए। पूरे गांव में तू ही एक समझदार है, तू ही बता दे क्या योजना है सरकार की है और क्या कर रही है जे सरकार। सब बातों को छोड़ो, रामादाई बहुत बढ़िया है। अरे मैंने जो देखा सो तुम्हें बताया। सुन ली हमने, बाई में बता रहे थे कि सारी जांच करानी चाहिए, सारे टीके लगवाने चाहिए, जैसे जच्चा बच्चा दोनों तंदुरुस्त बने रहते हैं। और हाँ, उसमें ये भी बता रहे थे कि जच्चा को क्या खाना चाहिए, ये भी बता रहे थे कि ऐसा करने से प्रसव के समय कोई भी दिक्कत नहीं आती। सो मैंने तुम्हें बता दिया। जी बाबूजी, वो पड़ोस वाली जो सल्ला दीदी है ना, वो बता रही थी उनकी छोटी बहन नगला गांव की है, जब उनको बच्चा होने वाला था तो वह अस्पताल जाके सारी जांचें करवाती थी बाबूजी। दो बार उनको टीके भी लगे थे बाबूजी, और डिलीवरी उनकी बहुत अच्छे से हो गई, उनका बच्चा भी बड़ा स्वस्थ है। अरे भाभी वो सब तो ठीक है, पर इतने बड़े हॉस्पिटल में खर्चा कितना होगा? कह रहा है लक्ष्मण, और वो आने जाने की दिक्कत अलग। अब ये तो ना पता देवर जी, वो बता रही थी डॉक्टरानी बहुत मेहनती हैं और बहुत पढ़ी लिखी है, उनने बहुत सारे जच्चा बच्चन की जान बचाई है देवर जी। देख भाई लक्ष्मण, मुझे सिर्फ अपने बीवी बच्चों से मतलब है। हाँ सुन लिया हमने, बेकार की बातें मत कर। अरे भाई बच्चा बहू हमें भी प्यारे लगते हैं, लेकिन रामादाई बहुत काबिल है, वो ही इलाज करेगी बहू का। सो तो तुम सही कह रहे हो, रामादाई बहुत ही होशियार है, पर एक बार बहू को अस्पताल दिखा लेते तो बा में भी तो कोई बुराई नहीं है। अरे यार काय के लिए बेकार की बातें कर रहे हो, जब तुमसे कह दिया कि रामादाई बहुत काबिल है, वो ही इलाज करेगी तो करेगी बस। जैसा तुम चाहो, जो तुम्हें सही लगे। बाबूजी सही कह रहे हैं। हेलो डॉक्टर स्नेहा हॉस्पिटल जी, कौन? शर्मा जी, न्यू इंडिया मेडिसिन कंपनी से। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं आप? हाँ हाँ पहचान लिया आपको। हाँ यहाँ सब ठीक है, थोड़ा बिजी चल रहा है। हाँ हाँ शर्मा जी, आपकी नई दवाइयाँ आई हैं, मैम को देखना है पर आज बहुत बिजी है। हाँ अभी ओपीडी है, दोपहर में सर्जरी, फिर लेबर रूम में 3 पेशेंट डिलीवरी के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं ना। जी जी पर शर्मा जी आप भी तो समझिए,
आज ओपीडी फुल है, मैं कैसे आपकी बात करा सकती हूँ? मैडम नए नए ट्रीटमेंट जानने के लिए, सीखने के लिए कितनी मेहनत करती हैं, हमेशा टाइम निकालती हैं, पर आज आज बहुत मुश्किल है। माँ, माँ। हाँ। कैसी तबीयत है इसकी? बुखार कुछ कम हुआ क्या? कुछ आराम नहीं मिल रहा है, 2 दिन हो गए बुखार चढ़े हुए, और बुखार है कि उतरबे का नाम ही नहीं ले रहा है, और अब तो बहू के पेट में दर्द भी शुरू हो गए, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। तू ऐसा कर, रामा दाई को बुला ला, कहीं ऐसा ना हो बात और बिगड़ जाए। जा बेटा, जल्दी जाके बुला ला। भाभी के पास रहो, मैं जाता हूँ। तुम जाके देखो अंदर। अरे थोड़ा सब्र कर, थोड़ा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। हे माता रानी, सब ठीक कर दे। भैया आप चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। बहू का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, फटिया करते करते थक गई हूँ मैं। लक्ष्मण तू जा, जाके ठंडा पानी और ला। जी माँ। जा। बाबूजी, गौरी की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और दर्द देख रहा है ना, किस तरीके से बिलबिला रही है वो। चिंता मत करे बेटा, रामा दाई बहुत होशियार है, सब ठीक कर देगी वो। मुबारक हो, डिलीवरी ठीक हो गई है, माँ बच्चा दोनों ठीक हैं, दोनों स्वस्थ हैं, और जो प्रॉब्लम हम सोच रहे थे वो नहीं हुई। अरे क्या हुआ? बहू ठीक तो है ना? क्या हुआ? आपके बाबू अब क्या होगा? रामा दाई कह रही है कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं है। चिका कह रही है अब तो बहू को अस्पताल ले चलो। चिका कह रही है, रामा दाई ऐसे कैसे कह सकती है? अरे ऐसे ही कह रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी बहू को कुछ हो ना जाए। अब कोई चारा नहीं है तो फिर अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। लक्ष्मण तू जा यहाँ से और डॉक्टर लेके आ। चल 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 जा। तुम अंदर देखो। मैं बहू को देखती हूँ। अरे राम, जा बेटा कुछ हो जाए उससे पहले ही बहू को अस्पताल लेके चलो। परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जब बहू को लेके आ। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था कि इस दाई के चक्कर में मत पड़ो, मरने की हालत में लाके कह रही है कि अस्पताल लेके जाओ। अब लेके चल बेटा, जो भी कुछ है चल, अब तू बहस करने का समय नहीं है ये, जल्दी लेके आ बहू को। हेलो, आप फ्री हुए? खाना खाया? कॉन्फ्रेंस मीटिंग कैसी थी आप? अभी एक ऑपरेशन करना है, बहुत थक गए। एक इराटिक बीपी का पेशेंट था, कार्डियोलॉजिस्ट उनको देख रहे हैं, शायद ऑपरेशन करना पड़े। आई कॉल यू लेटर। मैम एक इमरजेंसी केस है, फुल टर्म प्रेग्नेंट, तेज बुखार है और पेट में भी बहुत दर्द है, पर मैम उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है और ना ही उन्होंने पहले कोई चेकअप कराया है, एंड बीपी बहुत लो एंड फॉल भी कर रहा है। मैम बताइए, एडमिट करिए, ब्लड टेस्ट वगैरह कराइए, अल्ट्रासाउंड की तैयारी करिए, आई जस्ट का। ओके मैम। खून की रिपोर्ट आ गई है, कह रहे हैं खून बहुत कम है, अभी कुछ देर में खून चढ़ाएंगे। बाबूजी, बड़े डॉक्टर आ गए, वो इलाज कर रहे हैं। आ गए? हाँ।
कह रहे हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरा मन तो पहले से ही कह रहा था कि हमें अस्पताल चलना चाहिए, पर तुम्ही ने मेरी नहीं मानी। बोई का सपने आ रहे थे कि ऐसे जागो, डॉक्टर को काम तो उस पैसा हटवे को है, है? और इनके काम में बच्चा ना पैदा भाई, ये डॉक्टर चाहे तो कछु भी कर सकते है, मगर इनकी तो आदत है जब तक डराएंगे नहीं तो जेब कैसे ढीली होगी, परेशान करना बस और कछु ना इनके पास। अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया ना तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। देखा वो डॉक्टर ज्ञान दे रही है हमें, हमसे गरीब भाभी जी को टेंशन लेके आना चाहिए था। अरे बेवकूफ बना रही है वो हमें, खुद ही ने तो ऑपरेशन लेट शुरू किया है। हमसे कह रही है कि ये जांच करा लो, वो जांच करा लो, वो ब्लड ले आओ, गलती खुद की और इल्जाम हम पे लगा रही है। डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक है, मेरी गौरी मेरी बहुत ठीक है। डॉक्टर साहब हमने अपनी पूरी कोशिश करी, उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि हम माँ और बच्चे को बचा नहीं सके। माये का है मम्मा। आपको उन्हें हॉस्पिटल लाने में थोड़ी देर हो गई, इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका था कि बच्चा सांस ही नहीं ले पाया और उनकी बच्चेदानी में इतना इन्फेक्शन था कि उनका खून ही नहीं बना। आई एम रियली सॉरी। लीजिए, राम लक्ष्मण और उनके बाबूजी ने तो तुरंत ही डॉक्टर स्नेहा को गौरी और उसके नवजात शिशु के मौत के लिए दोषी ठहरा दिया और उसकी सजा भी दे दी। लेकिन डॉक्टर स्नेहा एक मेहनती काबिल और होनहार डॉक्टर हैं, मरीजों की अच्छी देखरेख करती हैं और अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को भी अपडेट करती रहती हैं। गौरी के केस में उन्होंने सारे इमरजेंसी प्रोसीजर फॉलो करते हुए जी जान से कोशिश की। गौरी के परिवार ने खर्चे के डर से उसका कभी चेकअप नहीं कराया और अंत में जब उसकी मरने जैसे हालत हो गई तब ही हॉस्पिटल लेके गए। इन हालात में क्या डॉक्टर ही दोषी है? अच्छी सेहत दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है। हमारा कर्तव्य है कि हम पूरे परिवार की सेहत के लिए सभी उचित कार्य करें और उचित पैसे भी खर्च करें। गर्भवती को अगर कोई तकलीफ ना भी हो तब भी पूरी प्रेगनेंसी में उसका चेकअप कम से कम 4 बार होना चाहिए। पहली तिमाही में इन्फ्लुएंजा का टीका और 7वें महीने में टीटी या टीडीएपी का टीका लगना बहुत ज़रूरी है। इनसे जच्चा बच्चा दोनों को जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है। और सरकार के पीएमएसएमवाई योजना के अंतर्गत ये चेकअप और टीके हर महीने के 9 तारीख को हर सरकारी अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध हैं। तो ध्यान रखें, गर्भवती को अच्छी खुराक के साथ साथ सही चिकित्सा सही समय पर मिलती रहे, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके लिए हमें सोचना पड़े दोषी कौन।